बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसा मिजाज है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों इलेक्ट्रोस्किल यूट्यूब चैनल पे अली रहमान आपके लिए एक नए वीडियो अपलोड कर रहा है और वो वीडियो ये है कि आप ओरियंट कंपनी के डीसी इन्वर्टर का रिमोट आप कैसे यूज़ करेंगे। तो हर रिमोट में 5 मोड होते हैं, कूलिंग मोड, ऑटो मोड एंड ड्राई मोड और एक फैन मोड है और हीटिंग मोड है। तो ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि हीटिंग मोड पे रिमोट को ऑन करके अपने डीसी इन्वर्टर को हीटिंग पे लगा के वो बेसब्री और कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि ये तो जल्दी नहीं ऑन हो सकता है। लेकिन हीटिंग मोड पे डीसी इन्वर्टर कम से कम 3 या 2 मिनट ये लगा सकते हैं कि ऑन होने में और रनिंग कंडीशन में जाने में और कंप्रेसर को ऑन करने में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू होने से पहले तमाम व्यूअर से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके वॉल पे आसानी से पोस्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ही कमा इससे आप टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं 28 और 29-30 और ये टाइमर ऑन और आप का बटन है कि टाइमर हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए एसी ऑन होगा और यहाँ पे ये जो है ऑटो मोड पे मैंने लगाया अभी और ये मोड को प्रेस करके आप ये चेंज कर सकते हैं ड्राई, हीट, फैन और ये आप मोड से ये चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे पेन का है, स्लीप का है, स्विंग अप और बहुत ज़्यादा